हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ट्रैवलिंग के दुनिया के एक और चमकते सितारे के बारे में, जिन्हें आप नोमैडिक इंडियन के नाम से जानते होंगे। इनका नाम दीपांशु सागवान है, जिन्हें कि नोमैडिक इंडियन के नाम से भी जानते होंगे। दीपांशु सागवान का जन्म 24 जुलाई 1994 को हरियाणा में हुआ। एजुकेशन की बात की जाए तो इन्होंने दिल्ली के शारदा यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। दोस्तों, अपने सपनों को पूरा करने का जज्बा कुछ चुनिंदा लोगों में ही होता है, जिनमें से नोमैडिक इंडियन एक हैं, जिन्होंने अपने करियर को छोड़कर ट्रैवलिंग को अपना प्रोफेशन चुना, जो कि मुट्ठी भर लोग ही कर पाते हैं। दीपांशु सागवान को बचपन से ही घूमना, ट्रैवलिंग करना काफ़ी पसंद था। वो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ घूमने जाया करते थे। एक बार की बात है, दीपांशु बीकानेर घूमने गए थे और उन्होंने वहाँ कुछ बैकपैकरों को देखा जो कि वहाँ घूमने के लिए आए थे। तो दीपांशु ने सोचा कि हम भी कभी इनकी तरह घूम पाएंगे क्या। दीपांशु ने उन बैकपैकरों से थोड़ी देर बात की तो उन्होंने बताया कि वो 3-4 बंदे थे और उनमें से एक लड़की भी थी। वो सब अलग अलग जगहों से आए थे और बीकानेर में ही मिले थे, तो साथ साथ घूम रहे थे। दीपांशु ने उनसे ज़्यादा तो नहीं, बस 3-4 मिनट बातें की और सोचा, यार क्या हम भी कभी इनकी तरह घूम सकते हैं। अकेले घूमना, वो भी किसी अनजान देश में जहाँ ना आपकी भाषा बोली जाती है, ना तो जहाँ आपके जैसे दिखने वाले लोग होते हैं, सब कुछ अलग, खाना अलग, वहाँ का कल्चर अलग। अब बात करते हैं दीपांशु ने ट्रैवलिंग करने का डिसीज़न कैसे लिया। तो एक बार की बात है, वो यूट्यूब पर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देख रहे थे और तभी उनके यूट्यूब पर एक वीडियो सजेशन में आई, जिसमें लिखा हुआ था कि हाउ टू ट्रैवल ऑलमोस्ट नो मनी। तो उस वीडियो के देखने के बाद उन्हें पता चला बिना पैसों के भी ट्रैवलिंग की जा सकती है। उस वीडियो में मुख्य दो बातें बताई गई थी, जो कि थी हिच हाइकिंग और काउट सर्फिंग। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को पता ना हो कि हिच हाइकिंग और काउट सर्फिंग क्या होती है, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हिच हाइकिंग का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों से लिफ्ट मांगना, और काउट सर्फिंग एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है जिससे आप लोगों को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं उनके यहाँ रहने के लिए। दीपांशु सागवान ये करीब 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा तक की हिच हाइकिंग कर चुके हैं। वैसे तो नोमैडिक इंडियन बहुत सी कंट्रीज घूम चुके हैं, जैसे कि रशिया, आर्मेनिया, ईरान, मंगोलिया, अजरबैजान, श्रीलंका, चाइना और अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज़ घूम चुके हैं। और हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि इनकी मोस्ट पॉपुलर सीरीज़ अफगानिस्तान की है। अगर आप इनकी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इनकी ट्रिप की वीडियो डेडिकेटेड प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। अब बात करते हैं इनके YouTube इनकम की। तो ये लगभग हर महीने 1.5 से 2 लाख रुपए कमा लेते हैं। ज़्यादातर ये सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते, पर मुख्य तौर पर ये YouTube और Instagram पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अभी इनके YouTube चैनल पर 7.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और Instagram पर 58,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अब बात करते हैं इनके मैरिज स्टेटस की। तो फिलहाल इनकी अभी शादी नहीं हुई है और ना ही इनकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग बातें दीपांशु सागवान यानी कि नोमैडिक इंडियन के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच।